এখন রাজ্যৰে এটা প্ৰান্তৰ এখন থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা মৃতদেহ কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে মৰিয়নি থানাত। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে। নিশা মৰিয়নি থানাত এই ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত মৰিয়নিৰ দলঙীয়া ইটাভাটা পথত অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মৃতদেহটো মৰিয়নিৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ শম্ভু বাল্মীকি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতে প্ৰদীপ সিন্ধু নামৰ লোকজনে পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সহায়ত শম্ভু বাল্মীকিক নিজ ঘৰত হত্যা কৰি দলঙীয়াৰ ইটাভাটাৰ পথত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে শম্ভু বাল্মীকিৰ পৰিয়ালে। তাৰ পিছতে এতিয়া এইদৰে থানাত উপস্থিত হৈছে শ শ গাঁওবাসী। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সমান্তৰালকৈ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰিছে শম্ভু বাল্মীকিৰ পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া এইধৰণেই নিশা মৰিয়নি থানাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল, যিহেতু শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত মৰিয়নিৰ দলঙীয়াৰ ইটাভাটাৰ পথত অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মৃতদেহটো মৰিয়নিৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ শম্ভু বাল্মীকিৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল। প্ৰদীপ সিন্ধু নামৰ লোকজনে পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সহায়ত শম্ভু বাল্মীকিক নিজ ঘৰত হত্যা কৰি দলঙীয়াৰ ইটাভাটাৰ পথত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে শম্ভু বাল্মীকিৰ পৰিয়ালে। আৰু সেয়েহে হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰিছে। এতিয়া এইদৰেই শ শ লোক ওলাই আহিছে, আৰু সেই শ শ লোক ওলাই আহি থানা ঘেৰাও কৰিছে, আৰু সেই হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে সেই শ শ লোককে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। मेरा भाई स्टेशन में रहा, स्टेशन से नानी पास जी आया या बात किया, उसको बाइक में लेके गया। बाइक में लेके जाने के बाद उसका वो अपने घर में लेके गया। घर में लेके जाने के बाद फ़ोन किया मेरा साथ का एक मामा बोल को फ़ोन किया, भगीना कहाँ, तो बोलता है नानू पाजी के इधर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो उसका बाद 10-15 मिनट का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद हम उसका घर में फ़ोन किया, वो तो नानू पाजी का मीटिंग में फ़ोन किया। हम बोला ऐसे सब आते हैं, मेरा भाई आया था, बोलता नहीं आया था। हम बोला नानू पाजी का साथ रहा, तो बोलता है नानू पाजी तो इधर पर नहीं है, वो कटनी वाड़ी प्रोग्राम में कुछ गया। तो हम फिर नानू पाजी को फ़ोन किया, तो बोलते हम घर पर। तो हम बोला मेरा भाई उन्होंने से भेजा दो। हाँ, फिर रात को 1:30 बजे खोजते खोजते फिर वो मेरे साथ पे एक तो भांडिया ड्राइवर बोलता है अरेंद्र सुबह आ जाएंगे, तो बोलता तुम जाओ, बहुत रात हो गया, घर जाओ। तो घर गया, फिर रात भर नहीं ना था, सुबह 5 बजे भोर को उठा, उठ के पूरा लोको साइड बाजार सजार सब जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। फिर उसका घर में गया सुबह का टाइम में 5:30 बजे का टाइम में, मेरा भाई आया, मेरा भतीजा उसका घर गया। बोला जाके देखो तो पूछो, तो उसका माँ घर पूछाई करता था, बोलता था इधर तो नहीं आया। फिर हम खोजते 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 फिर बाद में भांडिया हमको फ़ोन किया, बोला उसी सर फ़ोन किया तेरा भाई को मिल गया है ढिकिया जोली। तो हम बोला चल मिल गया, अच्छा बात है। हाँ, तो हम गया जाके देखता, उसको मार के फेंका हुआ, मार के फेंका है। नानू पाजी को हम फ़ोन करता है, वो बोलता हम डिमापुर है रात तक रहा, और सुबह बोलता हम बीजी में डिमापुर चला गया। फिर फ़ोन करता, बोलता हम बर्मा जाते हैं डिमापुर का आगे, फिर हम नानू पाजी। फिर बाद में हम फ़ोन करता तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ, फिर ऑन करता, फिर हम फ़ोन करता मेरा भाई आपके साथ गया होगा तो बोल दो, बात को कर लेगा तो अच्छा लगेगा, चल तुम्हारा साथ गया है। वो बोलता नहीं आया नहीं आया, फिर मोबाइल स्विच ऑफ किया। बाद में जाके देखता तो ऐसा सलास, रात का टाइम में उसका घर में रहा मेरा भाई, और वो मार के 1 बजे का टाइम में ढिकवाजली जंगल में दोनों बाप बेटा, नानू पाजी और उसका लड़का गौरव, दोनों बाप बेटा, बाप बाइक चलाता था, मेरा भाई को ऐसे मार के घर में मार के बीच में ऐसे रखा, पीछे से लड़का धरा हुआ रहा, रात को 1 बजे जंगल में ढिकवाजली जंगल में फेंक दिया। सुबह का टाइम में मालूम चला, हम लोग दिन का टाइम में 12 बजे तब जाके देखा। नानू पाजी का घर कच्चा कॉलोनी, नानू पाजी और इसका तुम्हारा भाई का वो बहुत आगे बोलता था झगड़ा, वो मतलब ऐसा बाताबाती, तो ऐसा बाताबाती हुआ तो किसको क्या मालूम जो ऐसा कर देगा, ऐसा तो किसी में भी बाताबाती हो जाते हैं। अभी नानू पाजी कहाँ है? नानू पाजी अभी हमको बोला था हम डिमापुर बर्मा बर्मन पा गया, उसी सर उसको पकड़ा है उधर से कार्बी आलम का उधर से, उसी सर फोन किया उसको अभी पकड़ के लेके आएंगे। हम तो चाहते हैं नानू पाजी और उसका लड़का हमको दोनों चाहिए, मेरा भाई इतना सीधा था उसको बेमतलब का क्यों मारा, मारा तो मारा, तुम 2-3 थप्पड़ मार देता था, जान से क्यों मारा? क्या करता था तुम्हारा भाई? मेरा भाई तो मेरा भाई फेरी करता था चाय पूरी, वो रात को इंटरसिटी पास करके ही बाहर पे निकला, वो स्टेशन में दुकान में लक्की था, वो लोग रहा कुछ ये देखा नानू पाजी का साथ गया था,
जाने के बाद ऐसा कोई करता है क्या बताओ हमको? नानू पाजी और उसका दोनों लड़का, दोनों जन ची और उसका माँ, तीनों मिला हुआ है। अभी पुलिस किसको पकड़ा? पुलिस अभी उसका लड़का को माँ को उठाया, लड़का सब बात बोला, स्वीकार किया है। हाँ बोलता मेन बाप है, अभी बाप को आएगा उससे सर बोला लेके आता है।